क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजल है, मोहम्मद फजल। फजल जी कहाँ से हो? हम जम्मू कश्मीर जिला पुंछ। आज जो सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी जो है शपथ ले रहे हैं, तो क्या कहना है आपका? अच्छी है, ठीक है, बन रही, बहुत अच्छा है, बन गया जो बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, क्या आप फिर दुआएं करते हैं कुछ? पहले बहुत काम किया मोदी ने, 6,000 रुपया दिया कूटों के, हर के कूट में 6,000 रुपया दिया, और अच्छा है कश्मीर में भी दिया। हाँ, बहुत अच्छा है मोदी प्रधानमंत्री है जो अच्छा है। आपको क्या लगता है, उनको दुआएं देंगे आप? दुआएं देंगे, अच्छे आदमी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। उस्मान जी क्या कहोगे, आज प्रधानमंत्री नया शपथ ले रहे हैं, दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या कहेंगे? हमें अच्छा लगा कि दोबारा प्रधानमंत्री बने। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जम्मू कश्मीर जिला पुंछ के रहने वाले हैं। आप वहाँ पर क्या 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 लगता है आपको, क्या आपको वहाँ पे जो डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे पत्थरबाज है, आतंकवादी हैं, तो उनको क्या लगता है आपको? वैसे करते कुछ नहीं, ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत शांति है। ये लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो ऐसा लगता है? नहीं नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, वहाँ पे जो सेना के लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करती है सेना हमारी, जो पुंछ की है, हम बॉर्डर एरिया के इलाके हैं, और हमारी हिफाजत करती है सेना। हाँ, हिफाजत करती है हमारी। पाकिस्तान बार बार गोलाबारी करता है, वो तो बॉर्डर में चलती रहती है, बॉर्डर में चलती है, और हमारी जो फौज है हमारी हिफाजत करती है, और कैंप देती है फौज, राशन देती है फौज, जो मर जाता है तो उसको पैसा देती है। अच्छी फौज है हिंदुस्तान की। स्कूल भी चलाती है? चलाती है, स्कूल भी चलाती है वहाँ, अच्छा स्कूल चला रही है। आपके लोग, आपके बच्चों का जो है फ्यूचर ठीक है? दवाइयाँ टीका एजुकेशन वो मिलता है वहाँ से, दवाई हर चीज़ मिल रही है। तो वहाँ पे जो ये पत्थरबाज हैं वो कहाँ से आते हैं, क्यों करते हैं वो इस तरह से सेना के लोग, जब वो हेल्प करते हैं सेना के, हमारे जवान जो है, सेना के जो है सिपाही जो है, वो आप लोगों की सेवा करते हैं, तो तब क्या, तब वो पत्थर कौन मारता है? वो तो श्रीनगर में, पुंछ में कुछ नहीं, हम तो पुंछ के, पुंछ में कोई पत्थरबाजी नहीं होती। हाँ, पाकिस्तान को बराबर जो है वहाँ से फायरिंग होती रहती है। हाँ, होती रहती है, और हमारी सेना जवाब देती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अभी एक्शन लिया था वहाँ पर पाकिस्तान में जाकर, पुलवामा में जो हमला हुआ था उसमें इन्होंने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में जाकर, बालाकोट में जो है आतंकवादियों को मार गया था, तो क्या लगता है आपको, अच्छा किया? अच्छा किया, जो एक को मारता है दूसरे को क्या, अच्छा किया इन्होंने, उन्होंने गलत किया था, यहाँ आना था, क्यों आया? प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे आप, आगे कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री से खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। आगे भी और काम क्या कहेंगे जी, आगे कैसा काम होना चाहिए? अच्छा जैसे पहले किया उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपको नौकरी मिलता है वहाँ पे, क्या करते हो आप? क्या करते? मैं पढ़ता हूँ। क्या कर रहे हो? मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। आगे जाके क्या करोगे? आगे मैं पढ़ाई करेंगे। क्या बनोगे? मैं टीचर बनूंगा जी। वहाँ के लोग आर्मी में जाना पसंद करते हैं? बहुत पसंद करते हैं। आप भी जाना चाहोगे? मैं अगर हो गया कोई सिस्टम तो चला जाऊंगा। देश के लिए काम करोगे? देश के लिए काम करूंगा। मोदी जी से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। नाम है? मिराज जी, आप क्या कहेंगे, आज सरकार शपथ ले रही है, नई सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं दोबारा से, तो आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, ले रहे हैं, क्या नाम है, दोबारा आ रहा है 5 साल के लिए, देखो अच्छा करें, हिंदुस्तान में बढ़िया करेंगे इंशाल्लाह, आगे भी सही करा है, ऐसा कोई बुरा नहीं करा उन्होंने, इंशाल्लाह आगे भी और सही करेंगे। आप क्या बधाई देना चाहेंगे? आप बताइए, बहुत बहुत बधाई हो प्रधानमंत्री दोबारा बनने के लिए, मोदी अगेन। क्या लगता है आपको, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए देश में और आम जनता में, क्या किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देना चाहेंगे, संदेश तो यही है, क्या नाम है, हमारे देश में अच्छी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, हमारे मुल्क का भी नाम हो, और जो इतने भी लोग ये परेशान हो रहे हैं, बेरोज़गारी हो रही है, थोड़ी बेरोज़गारी पर ध्यान दें बस, मोदी जी से यही क्या नाम है प्रार्थना है, क्या नाम है, बेरोज़गारी पर ध्यान नहीं दे रहा है वो, अमीर लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जैसे उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास में, तो सभी लोग आते हैं सबका साथ में, जो चाहे अमीर है गरीब है, तो जो जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं उसका सबका विकास के लिए बात वो तो करते हैं, उनका स्लोगन है। नहीं वो तो करते ही हैं, लेकिन सबका विकास हो नहीं रहा ना, खाली मालदार लोगों का विकास हो रहा है, गरीबों का नहीं हो रहा। बाकी ये है क्या नाम है, देखो किसी के लिए उन्होंने बुरा नहीं करा, अच्छा भी किसी के लिए इतना खास नहीं कर रहा है,
ये हमें उम्मीद है जी आगे क्या नाम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब 5 साल आए, 5 साल दोबारा क्या नाम है, देखो आगे इंशाल्लाह कुछ कर दें तो अच्छी बात है। तो अस्तर वाइज होगी ना, जैसे आप दुकानदार हैं तो आप उस हिसाब से जो तरक्की करेंगे, आप जब दुकान करेंगे तो ये लोग जो है जो नौकर लोग हैं वो नौकरी करेंगे, तो इस तरह से आप सभी चाहेंगे हम अमीर बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएं, तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन स्टेप वाइज क्या चाहते हैं आपके रोज़गार का, जो कैसे होना चाहिए? रोज़गार में तो देखो जी, रोज़गार तो सबका चल ही रहा है, जैसा भी चल रहा है, ये तो हर किसी के टाइम में था क्या नाम है, कम बढ़ती। अब लोगों ने ना मुद्दा ज़्यादा बना रखा है ना, काम पे ना ध्यान दे के मोदी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग, बात समझ रहे हैं ना आप, इन्होंने ना अपना है ना कामों पे लग नहीं रहा, कुछ भी काम हो रहा है अबे मोदी कर रहा है, अबे मोदी वो कर रहा है, अबे भाई अपना काम करना है तो मोदी क्या करेगा, करने वाला तो ऊपर वाला है, मोदी तो क्या नाम है अपना जो कर रहा है कर, तू अपना काम कर, जैसा क्या नाम है पब्लिक करती वही पब्लिक आ जाए, कोई ना कम हुआ ना कोई ज़्यादा हुआ, काम हमारा, हम तो मजदूर आदमी थी, मजदूरी करके क्या नाम है जो होगा वही कमाएंगे वही खाएंगे, बस ये है हमारी तो बात नहीं है। चलो जी बधाई हो जी बहुत बहुत प्रधानमंत्री दोबारा अगेन के लिए। आपको क्या लगता है जो ये विपक्षी पार्टियां जो एक हवा बना देते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, अभी ये इस चुनाव में देखा गया है कि लोगों ने धर्म से ऊपर उठ करके वोट किया है, तो आपको क्या लगता है? मेरा कहने का मतलब यही तो है, लोगों ने ना मोदी को हवा ज़्यादा बना लिया, अपना जो है ना कामों पर ध्यान नहीं दे रहा है, कामों पर ध्यान दें, अपना क्या नाम है जैसे चल लिया वैसे चलता रहेगा, दूसरों की बातों में ना आए, अब यहाँ आए कल को ये अच्छा काम नहीं करेगा पब्लिक अपना हटाएगी, सीधी सी बात है, दूसरी नई पार्टी आएगी वो क्या नाम है उसको देख लेंगे, मैं यही है जी हमारा तो प्रधानमंत्री जी से। क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं? बस जी ये बेचारे गरीब लोग ज़्यादा मर रहे हैं, उनको किसान विसान है, इन पर थोड़ा सा ध्यान दें, और क्या नाम है रोज़गारी पर थोड़ा सा ध्यान दें लोगों की, बस यही है हमारा संदेश, अच्छे से अच्छा काम करें आगे के लिए, और बस जी यही है। आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ एक है कि ये पहले तो आता नहीं कोई भी नेता वगैरह, टाइम पे ही आते हैं सारे नेता वगैरह, उससे पहले कोई नहीं आता, 5 साल उन्होंने हर्ष मोदी जी ये एक दफे भी ना इलाके में दौरा नहीं करते। तो आप ये बताइए आज प्रधानमंत्री जो है शपथ ले रहे हैं तो उनके लिए क्या शुभकामनाएं हैं? प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया हमारा, प्रधानमंत्री के वजह से जो दिल्ली में सीटें जो मिली हैं और बाहर जो मिली हैं सिर्फ प्रधानमंत्री की वजह से मिली हैं, पब्लिक इनको नहीं जानती किसी नेता को। क्या सब शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या उनके लिए दुआ कुछ करना? हम तो दुआ चाहेंगे अच्छा है प्रधानमंत्री बने और पब्लिक को देखें, सबसे बड़ी बात इन नेताओं से ये कह रहे हैं 7 जो सीटें दिल्ली से जो मिली हैं इनको आज तक जो इलाके में दौरा कराए इन्होंने कभी ज़िंदगी में है, ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री की उसी ऐसे से भाई वो पब्लिक ने दिया इनको। आपका MLA होगा जो जहाँ जाकर जनप्रतिनिधि होगा वो करेगा ना दौरा, तो वो कोई नहीं करता, 5 साल तक कोई आता ही नहीं है इलाके में। क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को? कि वो प्रधानमंत्री को ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री इनसे अपने जितने मेंबर हैं इनसे कहो कि इलाके की देखभाल रखें और देखें इलाके में क्या कमी है क्या नहीं है, ये वोट इनको नहीं मिला, ये मोदी साहब को देख के मिले हुए सौ सारे वोट मिले इनको दिल्ली में, बस धन्यवाद बस। आइए आप क्या नाम है? मेरा नाम जैनुल आबिदीन है। आप क्या बताएं, क्या कहेंगे आज देश के प्रधानमंत्री जो है दोबारा जो शपथ ले रहे हैं जी, भारी जनाधार उनको मिला है इस सरकार को बनाने के लिए, पूरे देशवासियों ने उनको अच्छी बात है, क्या आप दुआ सलाम कुछ क्या कहेंगे? हाँ शुभकामनाएं हैं हम लोग के साथ, इसके आगे भी प्रधानमंत्री बने और अच्छा काम करे, बेहतर तो वही है, लेकिन ऐसे तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा जो होना चाहिए, जो गरीब के लिए जो होना चाहिए, इधर उधर काम होना चाहिए, ये सब तो कुछ हो नहीं रहा है, बस यही काम है और करना क्या है। आगे क्या चाहते हैं? आगे बस बढ़िया से बढ़िया काम होना चाहिए, इस क्षेत्र में हर क्षेत्र में हर जगह जब उनकी सरकार है तो हर क्षेत्र में होना चाहिए काम, कोई ये थोड़ी है कि हाँ सराय खलील में हो या सदर में हो, ऐसा तो है नहीं, हर जगह पे अच्छा काम होना चाहिए, मजदूर के लिए अच्छा सोच रखें, बस सबका साथ सबका विकास तो उनका नारा है। हाँ तो नारा लगाने से सिर्फ थोड़ी होगा, नारा तो हम भी लगा करके रास्ते में चलेंगे। देखो जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सभी को पहुँचती हैं, उसमें तो कोई भेदभाव तो होता नहीं, नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, अब हम लोग तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, लेकिन वो तो सबका सोच सबका ये विकास जो है वो तो शुरू से नारा है, लेकिन हम लोग के गांव में कहाँ कुछ है ऐसा पहुँच। गांव है आपका? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर। वहाँ गांव में काम नहीं हुआ,
बिजली नहीं पहुंची? नहीं, बिजली तो पहुंची है लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं है। वो जो ये टॉयलेट वगैरह शौचालय वगैरह बना नहीं? नहीं नहीं, शौचालय तो बनता है, 12,000 का ये होता है तो वो पहले बोलते हैं 4,000 दे दो तो 8,000 मिलेगा। मालूम आज कि अब जिसके पास 4,000 है नहीं वो कहाँ से देगा भाई? अब हम शहर से यहाँ से 4,000 रुपया कमा के ही भेज रहे हैं और हमारे घर में बोला जाए कि भाई आप 4,000 दो तो आपका 12,000 पास होगा। वे भाई 4,000 तो तू पहले ले रहा है, 12,000 तू पास कहाँ किया? अपने घर में तो बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। जाओ देखो ठीक है, वो तो आपके लिए बनेगा ना। वो सही बात है लेकिन वो तो खाने वाले दलाल खा रहे हैं ना, हम थोड़ी खा रहे हैं। अब तो दलाली बंद कर दिया, अब तो सीधा खाते। दलाली कहाँ बंद हो गया? खाते में जा रहे हैं। कहाँ आप देख रहे हैं कि दलाली बंद हो गया? वो पहले बोलता है कि खाते से निकाल के दो, पहले बोलता है कि खाते से निकाल के दो तब हम देंगे। हाँ, वो 4,000 रुपया वो खा गए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और वो 8,000 भी वो 2 महीने बाद मिलेगा या 3 महीने बाद मिलेगा इसका कोई पता नहीं जी। आप कुछ कहेंगे? आप कहाँ से? किस चीज को बताना? अभी आज जो प्रधानमंत्री जो है शपथ ले रहे हैं तो आपका क्या कहना है? बढ़िया है। क्या शुभकामनाएं? शुभकामनाएं क्या, वो सबको साथ लेके चलेगा, इस बार वादे कर रहा है, देखते और कितना निभाता अपने वादे। पिछली बार लिया नहीं उन्होंने? पिछली बार तो कहीं से गए। आपने देखा नहीं पिछले 5 साल में क्या कोई काम हुआ? लोगों के धंधों की माँ बहन हुई है और तो कुछ नहीं हुआ। क्या आप क्या करते हैं? हमारा, मैं तो बिजनेस में लॉ स्टूडेंट हूँ। जिसमें? हाँ, बिजनेस में लॉ स्टूडेंट भी है। क्या लगता है आपको? हाँ, इस बार सही कर देगा। पिछली बार बिजनेस में क्या लॉस हुआ? क्यों, किन किन कारणों से लॉस हुआ? बंदी से हुआ और किससे हुआ, बिजनेस सबके खत्म हो गए थे। तो अब आगे क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं भाई, यह है कि हाँ भाई आपके ना करे कुछ ऐसा बढ़िया काम। काम तो अच्छा कर रहा है वैसे, मुझे अच्छा कर रहा है, काम हो रहा है। आप इसे भी बेहतर चाहते हैं तो आज जो जनादेश उनको मिला है पूरे देश में उसे आप संतुष्ट हैं? हाँ बढ़िया है, होना चाहिए, होना भी चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। कुछ आपकी तरफ से कुछ संदेश? ना, मैं लेट हो रहा हूँ। प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी जो है शपथ दे रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? अब देखो क्या करते हैं मोदी जी, वैसे बोल तो काफ़ी रहे हैं। शुभकामनाएं तो हैं उनके लिए, वही वो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, तो उनके लिए शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं से हो जाएगी जी। और आगे क्या अपेक्षा रखेंगे? आगे अपेक्षा क्या, जो आप वो कह रहे हैं अगर उस पर खरा उतरते हैं, सबका साथ जो उनका नारा है अगर उसके तहत काम करते हैं तो अच्छी बात है, ये सबके लिए, पूरे देश के लिए। पिछले 5 साल में आपने क्या देखा देश के लिए? पिछले 5 साल तो खैर बहुत ही जो अच्छा नहीं करा, जैसा उनका उन्होंने कहा था चुनाव से पहले, जो उन्होंने नारा दिया था, जो ये वादे करे थे वो तो कुछ उस पर खरे नहीं उतरे ज़्यादातर। क्या वादा किया था, क्या खरे किस पे करे? यही नौकरी देने का, विकास करने का, और 15 लाख की जो उनकी होती उस पर तो कुछ नहीं हुआ। खाते अभी तो वैसे ही खाली पड़े हुए हैं वो। ये बोला था कि अगर ये भ्रष्टाचार का पैसा सभी जो है आता है तो ऐसा आंकलन लगाया था उन्होंने। ये नहीं बोला था कि घर पैसे आए, ये वो बोला था कि जब सबका, अगर ये जो चोरी का पैसा बाहर विदेशों में जो रहा वो पैसा आएगा तो तब जो है 15 लाख तो खैर चाहिए भी नहीं है, अपनी कमाई से काम करना है। जो और जो नौकरी जो स्टूडेंट जो वगैरह 5 साल से नौकरियाँ नहीं मिली उन्हें, अब वो बेकार हो रहे हैं। नौकरी तो इतना मिलेगा नहीं, करना तो काम तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। खैर लेकिन उनका एजुकेशन करते हैं ये, हम तो मजदूरी टाई का काम करते हैं। डाई का काम करते हैं, जब आप काम करोगे तभी तो मुझे। लेकिन इतने सारे जो है बोलेंगे डाई वालों को भी सरकारी नौकरी इतना होता नहीं है। सरकारी उनके लिए जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास जितने एबिलिटी है वो, जैसे आपके पास जो वो है हुनर है उसके हिसाब से सब मिल रहा है, वो केवल एक प्रोपागंडा बनाया जा रहा है। तो आप क्या आगे क्या संदेश देना चाहेंगे? वो आगे संदेश यही है, अच्छा काम करते हैं तो अच्छी बात है, ये तो देश के लिए अच्छा शुभ संकेत है।